पूरे दिन तुम बिजी रहती हो, थोड़ा टाइम हमारे लिए भी निकाल लिया करो। एक्चुअली मानव, मेरे सर में थोड़ा दर्द है। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं दवाई लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। अरे नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके, थोड़ा सा सोऊंगी ना तो ठीक हो जाएगा। मैं सोती हूँ। पक्का? हेलो सुशांत, लगता है सुशांत तुम्हारे दिमाग में कुछ ज्यादा ही छाया हुआ है, जिसने अभी तक तुम्हें ये विश्वास नहीं होने दिया कि फोन की दूसरी तरफ कोई और भी हो सकता है। कौन बोल रहा है? तुम्हारी खूबसूरती का फैन। जस्ट शट अप एंड टेल मी हु आर यू, और मेरी फोटोज तुम्हारे पास कैसे आई? ये जान के क्या करोगी कि पिक्चर्स मेरे पास कैसे आई, बल्कि ये सोचो कि अगर ये तुम्हारे पति के पास पहुंच गई तो क्या होगा। चाहते क्या हो तुम? कुछ खास नहीं, बस वही प्यार चाहिए जो तुम अपने आशिक को देती हो। ये ख्याल तो अपने दिमाग से निकाल ही दो कि तुम ये फोटोज दिखा के मेरा कोई फायदा उठा सकते हो, इसलिए चुपचाप मेरी सारी फोटोज अपने फोन से डिलीट कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें ब्लैकमेलिंग के केस में जेल भिजवा दूंगी, समझे तुम? धमकी मुझे? वैसे अब ये फोटो तुम्हारा प्यार पाने के बाद ही डिलीट होगी। Excuse me, मैं तुम्हारी ये फालतू की धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। इतल? इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, वो नींद नहीं आ रही थी तो सोचा टहल लूँ। चलो सोने चलते। मुझे बार बार फोन करके परेशान करना बंद करो, समझे तुम? स्वीटहार्ट, मैं कॉल तो नहीं करना चाहता था, लेकिन अब जब तुम्हारा घर बर्बाद होने वाला है उसके बारे में तुम्हें पहले इन्फॉर्म करना तो बनता है ना। कहना क्या चाहते हो तुम? यही कि तुम्हारे घर में मैंने एक कोरियर भेजा है। जिसमें तुम्हारी और तुम्हारे बॉयफ्रेंड की यादें कैद हैं। अगर वो तुम्हारे पति ने देख ली तो फिर समझ लो
जो भी है देख लेना, ठीक है? थैंक यू। मानव शर्मा, ये कुरियर मेरा है। पर इस पे नाम तो मेरा लिखा है। वो एक्चुअली मेरी फ्रेंड है ना, अपनी फैमिली के साथ आउट ऑफ सिटी गई है, तो उसने ये कुरियर हमारे एड्रेस पे मंगवाया। मैं उसे दे दूंगी। ठीक है, पर तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं कहाँ घबरा रही हूँ, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ, ठीक है? ये सब हरकतें करके साबित क्या करना चाहते हो? कुछ नहीं, बस तुम्हें ये दिखाना चाहता था कि तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कहीं तुम सुशांत के कहने पर तो ये सब नहीं कर रहे? भला एक आशिक अपनी प्रेमिका को कैसे किसी और के साथ शेयर करने की बात सोच सकता है? बस अनजाने में उसने एक छोटी सी गलती कर दी जिसका अंजाम अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। देखो, जो तुम सोच रहे हो वो मैं नहीं कर सकती। अगर तुम्हें पैसे चाहिए ना, वो मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज प्लीज मेरी फोटोज डिलीट कर दो। विराट, तुम्हारी खूबसूरती का सौदा मैं पैसों के साथ कैसे कर सकता हूँ? उसके लिए मेरे खुद का छोटा मोटा बिजनेस है। अब तुम ये बताओ कि मैं कब आऊँ तुम्हारा दीदार करने? देखो, मैं तुम्हें बार बार कह चुकी हूँ कि मैं ये सब नहीं कर सकती। ये सब तुम्हें मेरे साथ करना ही पड़ेगा, वरना मैं क्या कर सकता हूँ तुम देख चुकी हो। अभी तो ये पिक्चर सिर्फ तुमने देखी है, जब पूरा मोहल्ला देखेगा तब तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड दोनों सोचते रहना कि अब क्या करना है। और वैसे भी अपने पति के होते हुए एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो रखा ही है तुमने, एक और रखोगी तो क्या फर्क पड़ेगा? देखो प्लीज प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो, प्लीज। तुम भी तो समझो मेरी फीलिंग्स को। ऐसे प्लीज प्लीज करने से मेरा मन थोड़ी भरेगा। प्लीज, तुम जो भी हो, आई बेग यू, प्लीज मेरी फोटोज डिलीट कर दो। बहुत हो गया ये रोना धोना, बंद करो ये सब। 1 बजे मिलते हैं, 1 बजे तुम्हारे घर पे। और हाँ, ये बात अपने बॉयफ्रेंड से मत बताना, वरना नुकसान तुम्हारा ही होगा। हेलो। हे स्वीट हार्ट, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें घर आके बताता हूँ। हाँ सुशांत, घर नहीं, घर नहीं। क्यों? घर पर रिलेटिव्स आए हुए हैं, मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। Thank you.
इतनी देर लगा दी दरवाजा खोलने में, कोई बात नहीं, इतना तो मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर सकता हूँ। देखो जो तुम मेरे साथ करना चाहते हो वो बिल्कुल गलत है। अच्छा ये गलत है, और तुम जो अपने पति के साथ कर रही हो वो ठीक है, वो सही है। देखो यार ये सही गलत के चक्कर में ना मेरा टाइम वेस्ट मत करो। हाँ चलो समझ करते हैं। हेतल का सुशांत के साथ चल रहा नाजायज रिश्ता अब उसी के लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुका था, क्योंकि हेतल की सुशांत के साथ ली गई निजी तस्वीरें एक अनजान शख्स विक्रम के हाथ लग चुकी थी, और विक्रम उन्हीं तस्वीरों के दम पर हेतल को अपने साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करने लगा था। और हेतल की परिस्थिति तो ऐसी थी कि वो इस बात को किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकती थी, और यही नहीं हेतल ने अपनी इस हालत का जिम्मेदार सुशांत को मानते हुए उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया, जिसके पीछे के कारण को सुशांत समझ ही नहीं पाया। अब सवाल यह भी खड़ा होता है कि विक्रम के हाथ हेतल और सुशांत की पर्सनल तस्वीरें लगी कैसे, और क्या मानव और सुशांत हेतल के साथ चल रहे विक्रम के इस घिनौने खेल के बारे में जान पाएंगे। देखो जो तुम चाहते थे वो मैंने किया, प्लीज प्लीज अब तो वो फोटोज डिलीट कर दो। फोटोज डिलीट कर दूं? इन फोटोज की बदौलत तुम मुझे मिली हो। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा वक्त मिला है और तुम करी फोटो डिलीट कर दूं? नेवर। तुम मुझे अपने बॉयफ्रेंड की लिस्ट में शामिल कर लो जो लंबे टाइम तक तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहता।